श्री भगवत गीता के 11 अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महत्व को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महत्व का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में शस्त्रों कथाएं, उनमें एक यह कही जाती है, प्राणिता नदी के तट पर मेघ नामक से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार चार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वह बड़ी विश्राम चालाएं हैं। जिनके सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। इस नगर में श्रीमान सुख शांत सदाचारी तथा जितेंद्रिया मनुष्य निवास हैं। वह हाथ में शक नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्मा साकार स्वरूप है। संचार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित हैं। भगवान की वह जाकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वस स्थल पर श्री वस्त्र का सिंह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। उनके प्रकार के आभूषणों से सुभूषित है। भगवान वामन रक्तयुक्त समुद्र के सदस्य जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की क्रांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से गिरा हुआ स्त्रीगंध मेघ शोभा पा रहा है। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीवन जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वह जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए किए हुए घोर पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेघलामों में गणेश जी की दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विग्रोह के भी पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्म प्रायणम ममता और अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीण जितेंद्रियों तथा भगवान वासुदेव के चरणागत थे। उनका नाम सुंदर था। प्रिय, वे शक धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11 अध्याय का विश्व रूप प्रदर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद सदैव से पूर्ण उत्तम ज्ञानी में समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतमुख हो जाने के कारण वे विशल स्थितियों को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवनमुखी योगी की स्थिति में ही रहते थे। एक समय जब ब्रह्मपति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंदे गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमक विरजत तीर्थ, तार तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नशिवावन, अंबिकापुरी तथा कस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान कर और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वह उन्हें प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया
उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखाई दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरे होने पर उन्हें अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिशेष तुम सब प्रकार से रेग्रायु जान पड़ते हो, भाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे बड़े पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तम प्रभाव विमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्र, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, जिस विधान का आश्रम लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हारे अलौकिक शक्ति आ गए हैं। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा स्पष्ट करूंगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुंदन को अपने गांव में ठहरने के लिए वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा अटल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रांत काल होकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को बसा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुंदन पूछे, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्य को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त ग्रामवासी ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किया देते हैं। यह बारह के जो प्रत्येक रात में आकर नींद लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझे मुख्य द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए प्रत्येक को ही राक्षस आहार निश्चित किया। अपने प्राणियों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य रागियों के साथ इस घर में आकर सोए हुए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया। केवल तुम्हें छोड़ दिया है। दिव्यतम तुमने ऐसा क्या भाव है, इस बात को तुम ही जानते हैं। इस समय मेरा पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु वे उसे पहचान न सका। वह मेरा पुत्र बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य रागियों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया था। मेरे पुत्र को जब सुना कि मेरा पुत्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच ने पूछा, ओ दुष्टतमान, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि है तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य प्रतीकों को साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रस्त बन गया है। वह मेरा अधर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय सभी विधाता के ही कर दिया है। विधाता नहीं कर दिया है, जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरे वो को पुनः जीवित प्राप्त होगा। यह कोई ब्राह्मण रहता है जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला के बाहर कर दिया था, वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप करता है। इस अध्याय को मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वो मेरे ऊपर जल का
जल का सीटा दे दो, निस्संदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार राक्षस आदेश पाकर तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अग्नि के खेती की बैरियों की रक्षा करने में लगा। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी रही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ गई, तपस्वी कहीं से आ निकले, जो इस रही को बसाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उसी रही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुम्हें धिक्कार है, तुम बड़ा ही कठोर हो और निर्दय हो। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है, तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो शोर द्राड़ वाले जीव सर्प शत्रु अग्नि विष जल गिर राक्षस भूत तथा बैताल आदि के लिए घायल हुए मनुष्य की शक्ति होते हुए भी अपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी शोर आदि के शुगल में फंसे हुए ब्राह्मण को सुनाने की चेष्टा नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है। अतः पुनः भेड़ियों की योनी में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए उन ग्रंथ और वैग की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए सोड़े सोड़े की पुकार करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गायों की रक्षा के लिए विग्रह भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथों से मारे जाते हैं वे भगवान विष्णु को उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। शस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलाकर चरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। दिन तथा भयभीत जीव की अपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तुमने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए रही को देखकर उसे बसाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की उससे तू निर्दय ही जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलावान बोला, महात्मन, यह मैं यह उपस्थित अवश्य था किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ पर दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11 अध्याय का जप करता है उस मनुष्य के द्वारा अभिमित्र जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हारे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवा राक्षस हो गया। अतः दिजशेष तुम चलो और 11 अध्याय का तीर्थ के जल को अभिमृत करो, फिर अपने ही हाथों से उस राक्षस को मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे, उन्हें विश्व रूप प्रदर्शन नामक 11 अध्याय से जल अभिमित करके उस राक्षस को मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय का प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके शत्रुभुज धारण कर लिया था तथा उसने जिस शस्त्रों से प्रतीक का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल के राक्षसों ने कहा, निचासर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके योग कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने ये जो कमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी मणिक्य में मुकुंड से शोभित
तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिनके कंधे मधुर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले विचित्र गंध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाह। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो, पहले मैं तुम्हारा पुत्र तो किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवताओं के प्रसाद से वैकुंठ धाम जाऊँगा। देखो, यह निचाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महत्व, यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं, अतः तुम भी इस ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का ध्यान करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का चक्र सर्वथा दुर्लभ है, अतः वह भी इस समय तुम्हारे प्राप्त है। अतः तुम अभीष्ट सिद्ध करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप प्रदाय को पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्वानंद संदेश स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री कृष्ण परम तत्वी रूप है। उसी का सिंह करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संचार भय से डरे हुए मनुष्यों के आदि व्याधि विनाश तथा अनेक जन्मों के दुख का नाश करने वाले हैं। मैं उनके सिवा दूसरे कोई साधन ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यह कहकर वह सब के साथ विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपालक ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दोनों ही महत्व से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हारे 11वें अध्याय की महत्व कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से पातकों का नाश हो जाता है। ओम श्री परमात्मा, यह 11वें अध्याय का महत्व है।